कैसा लगा कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी जो कि बिल्कुल स्कूल एजुकेशन से दूर है, टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तरफ ही है, उसने इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया है, इस तरह के प्रोग्राम कराने का? आई थिंक बस यही एक क्वेश्चन था एजुकेशन में, जिसका सही आंसर मिल जाए तो एजुकेशन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। द कंप्लीट सिस्टम ऑफ इंडियन स्कूल एजुकेशन इज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के जो कनेक्ट्स हैं वो बिल्कुल जीरो पे चलते हैं। बिल्कुल कोई भी स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ बैठकर आज तक कभी किसी वाइस चांसलर ने ये नहीं डिस्कस किया उनसे कि आपकी जरूरतें क्या है, और इस वजह से आपकी जो कॉलेज और स्कूल कॉलेज एडमिशन्स में जो प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है कि वन साइज फिट्स ऑल, वन एग्जाम इज गुड इनफ एंड वन सेट ऑफ मार्क्स विल डिसाइड व्हेदर यू विल टेक अ पर्टिकुलर कोर्स और नॉट। इससे हटकर जब यूनिवर्सिटीज आकर स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में बैठे और देखें कि ये एक पूरा लंबा सफर है बच्चे को, और ये नहीं है कि प्री स्कूल से झटका लगा स्कूल में आए, स्कूल से झटका लगा कॉलेज में गए, इस झटके को कम करने का एक ही माध्यम है कि सब इकट्ठे बैठ के सोचे और देखे तो सही कि इस जर्नी में, क्योंकि इस जर्नी को संभालना हमारी हमारे लिए इंटरेस्ट की बात नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे बड़े गिर गए रास्ते में तो आप उठाते रह जाएंगे, गिरना बचा भी तो सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी स्कूल कनेक्ट वॉज द बिगेस्ट मिसिंग लिंक इन एजुकेशन, एंड इफ यू पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट, आई थिंक दैट इज वेयर वी आर ब्रेकिंग द आइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम यही सोच रहे, एक और जो एस्पेक्ट जो कई बार हम लोग सोचते हैं, वी हैव ट्राइंग दिस एक्चुअली फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो हम स्कूल कनेक्ट भी करते हैं एंड वी आस्क एंड आवर फैकल्टीज गो टू स्कूल आल्सो, तो जाते हैं। तो हाउ यू थिंक दिस कैन दिस टाइप ऑफ अप्रोचेस कि जहाँ यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज जो हैं वो स्कूल में जाकर दे टीच पीपल, दे टीच स्टूडेंट, कि वहाँ पर कोई दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एक हवा होता है। और कई बार बच्चों से माँ बाप ये कहते हैं अब आप 11th में आ गए हो, मैथ्स पढ़ोगे, वो 10th वाली मैथ्स की बात नहीं थी, वो तो एक बहुत बड़ा इंसिपिलिटी। इस लीक को कम करने के लिए समझ उनको आनी चाहिए जो इस सिलेबस ट्रेनिंग करते हैं या किताबें लिखते हैं। अक्सर स्कूल की किताबें यूनिवर्सिटी वाले लिखते हैं, उनको ये समझ नहीं होती समटाइम्स कि इस लीप को मैनेज करना स्कूल के लिए कितनी बड़ी बात है। तो उसके लिए टीचर्स का माइंडसेट अंडरस्टैंड करना, बच्चों की फियर्स को एड्रेस करना, ये बातें खत्म हो जाएंगी काउंसलिंग की तरह जब यूनिवर्सिटी के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स नीचे आके बच्चों से बात करेंगे। कई बार वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में जब जाते हैं तो जो 4 ईयर्स का इनका ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है उसके फर्स्ट ईयर में नोबेल लॉरेट्स वाला पढ़ा रहे होते हैं, उनके ऑर्डिनरी टीचर्स सीनियर लेवल्स को पढ़ाते हैं, उनके मोस्ट गिफ्टेड पीपल टीच। द रीजन इज इट इज टू मेक दैट कनेक्ट दैट लाइफ इज दैट द बेस्ट आर ड्रॉन इन टू दिस प्रोफेशन टू हैंडल द यंग माइंड्स। उसी तरीके से अगर प्रोफेसर्स जिनको बच्चे और से देखते ये तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो डर वो समस्या सब खत्म हो जाएगी अगर ये कनेक्ट बन गया। ये बहुत मुश्किल लगता है और जो भी कर रहे हैं उनके लिए तो 3 cheers। थैंक यू वेरी मच, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स एक्चुअली नाउ फॉर 3-4 years एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली हैज बीन हैंडलिंग दिस। हम अगर बात करें तो हमने शायद उदयपुर के सारे मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स से लेकर यहाँ तक कि डाउनवर्ड विलेज तक में जहाँ बच्चों को कई बार टीचर्स उन सब्जेक्ट्स के ऊपर होते ही नहीं है या उन टॉपिक्स पर ही होते हैं उस पर भी टीच किया है। बहुत बढ़िया, ये टीचर टीचर होता है उसको ये मान कर चलना चाहिए कि वो चाहे 3 साल का बच्चा हो, 14 साल का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, उसके लिए टीचर के लिए वो सब सेम होना चाहिए। और उसको ये भी मानना चाहिए कि वो उन सब लेवल्स में बच्चों को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर ये मान के चले कि सीनियर टीचर्स खाली 18 ईयर ओल्ड को पढ़ा सकते हैं, शायद वहां गलती होती है। थैंक यू।